कबीर साहब चैनल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम छोटा ही वीडियो बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा। इसमें देखते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं अर्थात सकारात्मक वाक्य होते हैं, उसमें हम सेड टू या टोल्ड का प्रयोग कैसे करते हैं, ये देखें। रूल है इनडायरेक्ट नरेशन में, जब हम क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, मैं सेड लिखते हैं, जो सेड या तो सेड ही रहता है या सेड की जगह अपन क्या लिख देते हैं सकारात्मक वाक्य में ऑब्जर्व या रिमार्क्ड या पॉइंटेड आउट या असर्टेड या डिक्लेयर्ड या प्रोक्लेम्ड आदि में बदला जा सकता है। इतने वाक्य होते हैं तो वाक्य के अनुसार अपन सकारात्मक वाक्यों में सेड की जगह ये शब्द रखते हैं। अब दूसरा सेड टू, जहां जब क्या होता है अपन देखते हैं कि इनडायरेक्ट में सेड टू लिखा रहता है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट में या तो सेड टू ही रह सकता है या क्या सेड टू की जगह लिख देते हैं टोल्ड या इनफॉर्म्ड या रिपोर्टेड टू में बदल दिया जाता है। अब इसके बाद देखें नोट, बगैर ऑब्जेक्ट का टोल्ड का प्रयोग नहीं होता है। अपन देखते हैं कि जब इनडायरेक्ट वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब हम टोल्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि उसमें ऑब्जेक्ट है तो तभी हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे, अन्यथा टोल्ड का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि रीजन यहाँ टेल की सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड। तो अपन जानते हैं कि जब भी टेल होता है तो उसके बाद एक क्या होता है कर्म होता है, क्योंकि टेल एक इनट्रांसिटिव वर्ब है अर्थात सकर्मक क्रिया है, अर्थात इसके बाद कर्म आता है। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे, जैसे यहाँ गलत वाक्य है, आपको समझना है कि वाक्य शुद्ध कैसा है। जैसे इनडायरेक्ट बन गया है, डायरेक्ट की जगह डायरेक्ट के वाक्यों को इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया। जैसे यहाँ लिखा है ही टोल्ड या इसमें आगे पूरा वाक्य ही टोल्ड डेट ही वॉज हंग्री, तो यहाँ पर जो टोल्ड है वो गलत है, क्योंकि अपन देखते हैं कि ही टोल्ड उसने कहा कि ही वॉज हंग्री, वो कैसा था भूखा था, तो उसमें यहाँ पर क्या है किससे कहा ये नहीं है अर्थात कर्म नहीं है। यदि जब कर्म होता तो उसने ही टोल्ड मी या ही टोल्ड यू तब ही अपन यहाँ टोल्ड का प्रयोग करते, इसलिए यहाँ क्या है टोल्ड गलत है, यहाँ हो जाएगा ही सेड डेट ही वॉज हंग्री, उसने कहा कि वो कैसा था भूखा। अब यहाँ दूसरा समझ ले नोट, सेड के बाद बगैर टू के ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। एक चीज देख ले, अपन कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ही सेड मी या यू, यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते। कब बोलेंगे जब सेड के बाद क्या हो टू हो, तभी उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखें सेड के बाद बगैर टू के ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे देखें जैसे ही सेड मी डेट सी लाइक डेट यंग मैन, उसने मुझसे कहा कि उसने उस आदमी को पसंद किया। लेकिन यहाँ आप ध्यान देने वाली, यहाँ है ये सब्जेक्ट है और यहाँ है ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये कर्म है। तो अपन जानते हैं जब कर्म होता है तब हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, या तो यहाँ होगा सेड टू सी सेड टू मी, या होगा यहाँ पे टोल्ड सी टोल्ड मी डेट, उसने मुझसे कहा कि सी लाइक डूट, उसने पसंद किया डेट यंग मैन, उस युवा आदमी को या खूबसूरत व्यक्ति को।
अब आप समझ चुके होंगे कि हमको सेड और सेड टू और टोल्ड का प्रयोग कब करना है। सेड का प्रयोग करते हैं जब ऑब्जेक्ट ना हो और सेड टू का प्रयोग करते हैं जब ऑब्जेक्ट हो। इसी प्रकार जब ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, टोल्ड का। कब, जब इनडायरेक्ट बना दें। अब यहाँ पे देखेंगे, इस उदाहरणों को देखें। जैसे मीरा सेड दैट सी वाज रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे मीरा ने कहा कि सी वाज रिस्पॉन्सिबल, वह इसकी जवाबदार है। तो यहाँ सेड सही है, क्योंकि यहाँ सेड टू नहीं हो सकता, ना यहाँ पे हो सकता है टोल, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अब दूसरा देखें, दीपक टोल्ड मीरा। दीपक ने किसे कहा, टोल्ड मीरा, मीरा से कहा डेट सी वाज पंक्चुअल, वो कैसी है, एक्टिव है, अतः क्रियाशील है। अब यहाँ पे देखें, या अपन इस टोल्ड की जगह प्रयोग कर सकते हैं दीपक सेड टू, सेड टू का प्रयोग करेंगे मीरा डेट सी वाज पंक्चुअल, तो ये अपना वाक्य सही हो जाता है। तो आज हमने देखा सेड और सेड टू और टोल का प्रयोग असर्टिव अतः सकारात्मक वाक्यों में कब किया जाता है, और जिस प्रकार अपन देखते हैं कि असर्टिव वाक्यों में सेड टू या सेड या टोल के बाद सामान्य संयोजक चिन्ह होता है जो जोड़ने के लिए कनेक्टर डेट का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद काम हटाकर वाक्य को अपन जोड़ देते हैं और फिर आखिरी में फुल स्टॉप लगा देते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब कल देखेंगे हम इसके इंटरोगेटिव वाले क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।